वो दिन है और आज वाला दिन है और अब भी मुझे मैसेज भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि आ जाए राज, लेकिन नहीं जाना, नहीं जाना। और जब कुछ होगा फिर मुझे ये दुख नहीं होगा कि मैंने कुछ किया नहीं। नीरज भी लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैदे के लिए अच्छा होता है, मैदे के लिए अच्छा होता है, ये पहली बार सुन रही हूँ मैं। अच्छा, अभी ऐसा होता है कि यार मैं पापा को अगर हग भी करती हूँ ना, वो भी मैं काउंट करती हूँ कि एक दिन में मैंने पापा को कितनी बार हग किया। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। भाई तो सुबह हो चुकी है हमारी और सुबह के तकरीबन 12 बज रहे हैं। भाई आज हम लेट उठे हैं, उसकी ये वजह है कि रात को हम एडिटिंग कर रहे थे इसी वजह से। फिर गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी लाइक कर दें अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तभी मैं पहले ही बता देती हूँ कि लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो जल्दी से। बाकी भी लोगों को धूप इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, सुबह सुबह को आके यहाँ पे बैठ जाती है यार यहाँ पे, क्योंकि धूप आती है इसी वजह से टेबल पे आके बैठ जाती है मून के साथ। मून के साथ धूप का मजा लेती है, लेकिन मून को धूप नहीं पसंद। वो देखो मून की मूंछें आ रही है। मून नहीं आ रही, दिखाओ जरा, दिखाओ, सच में मूंछें आ रही, इधर दिखाओ तू जरा, वो भी दिखाओ, मून बड़ा हो रहा है। ओए होए होए, बोलो भाइयों की तो मूंछें आई नहीं है, मेरी कहां से आएंगी। म्यूजिक का, तो मैंने पापा के लिए नूडल्स बनाए। पापा ये लें यार, हमारे पापा की जो पसंद है ना बिल्कुल बच्चों की तरह है, इसी वजह से मैं पापा को बोलती पापा हम बूढ़े हो गए, आप तो जवान है माशाल्लाह से, क्योंकि पापा की जो जवानी वाली पसंद है ना वो खत्म ही नहीं हो रही। भाई पापा वैसे कैसे बने, टेस्ट किया आपने? गरम में ना, थोड़े ठंडे तो हूं। हाँ ये भी है पापा, जल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पापा कितने क्यूट है। हाँ ना पापा, अच्छा पापा वगैरह जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते, थकते ही नहीं है पापा, इधर ठीक करती है, इधर पापा ही करते हैं। हाँ तो तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है, क्या मसला है तुम्हें, तुम अपने काम से काम रखो। कुछ कह रही हो कि हेडफोन लगे थे। अच्छा पापा, ये बिलो आई है खाने के लिए पापा। ये बिलो इधर आ जा, क्या मसला है तेरे को? ये लो मोर शर्ट। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ तुम मेरे काम करते तभी दे रहे हो, इतनी हमदर्दी नहीं है वैसे तुमसे। चलो अब निकलो, चलो शाबाश, हंस लिया काम। यार इससे यही उम्मीद थी मुझे, मैं भी सोचूं कि क्यों इतना अच्छा बन रहा है, इसने कुछ ना कुछ बोलना था मुझे। अशारा पानी खत्म हो गया पीने वाला, जब भर के आओ। ओए और इसके लिए चिकन भी ले आओ। ओए अशारा, मैं चिकन तुम लाओगे? अच्छा पानी तो भर के आओ, पानी भर के आओ, पानी पीने वाला खत्म हो गया। बिलो बिलो, ओए सुन रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो कि नहीं? अभी तंग नहीं करो, भाग यहां से। ओ गई गई गई, फिर से गई, ये चाय खराब करेगी पापा आपकी। तो गाइस हर बार की तरह पापा के साथ मैं जा रही हूँ बाहर चक्कर लगाने, तो हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ आपको नया जरूर दिखाएंगे। चल रहे पापा, मुँह ना इतल कुर्सी पड़ो। तो आज हम जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम, है ना पापा? आखिरकार पहुंच गए हम स्टेडियम में। आज तो बड़ा रश लग रहा है क्योंकि आज सैटरडे है, इसी वजह से रश है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं स्टेडियम देखने, लेकिन हमारे लिए तो ये पुराना हो चुका है। कवों की आवाज़ जो है ना सुकून दे देती है। आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताना चाह रही हूँ जो कि आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि भाई आखिर वजह क्या है, रज आपके दिमाग में ये कैसे ख्याल आया
कि आपने ब्लॉगिंग करनी है। यार एक ऐसा टाइम था जब मुझ में बिल्कुल थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं हुआ करती थी, अपने ही धुन में मगन, ना किसी से बातचीत करना, ना प्यार, पापा से दूर, हर चीज़ से दूर, दुनियादारी से दूर, अल्लाह ताला से दूर। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा यार सबक दिया। हम जा रहे थे यार गांव, सही है, तो पूरी फैमिली थी लेकिन पापा नहीं थे। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद ऐसा हुआ मेरे साथ जैसे मेरे यार दिमाग की जो है ना बत्ती वो खुल गई। फिर मैंने सोचा कि यार अभी मैंने कुछ करना है, मैंने जो टाइम ज़ाया किया है अपना, अपनी फैमिली से दूर रह के, वो मैंने टाइम अपना कवर करना है। फिर मैंने यार ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने सोचा कि चलो भाई जो मैं प्यार करूँगी सब कुछ मैं भाई अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड करूँगी, और जब कुछ होगा फिर मुझे ये दुख नहीं होगा कि मैंने कुछ किया नहीं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, और भाई मेरे पेरेंट्स के लिए भी मेरी मेमोरीज पड़ी होंगी और मेरे लिए भी। अच्छा अभी ऐसा होता है कि यार मैं पापा को अगर हग भी करती हूँ ना, वो भी मैं काउंट करती हूँ कि एक दिन में मैंने पापा को कितने बार हग किया है। पापा जो पहले मैं करती ही नहीं थी, एक एक दिन को मैं ऐसे जीती हूँ कि भाई मेरा आखिरी दिन है। तो आप लोग भी ऐसा ही करो यार, क्योंकि यार ज़िंदगी का पता नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो खुल के जिए। बाकी यार ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, क्या सीन है यार। अच्छा ज़िंदगी में यार तकलीफ़ तभी मिलती है जब इंसान जो है ना सुधरता नहीं है, अल्लाह ताला सुधारने के लिए तकलीफ़ देता है। बस कहानी होगी रज। हाँ पापा यही कहानी आपने थी, क्या क्या बताया मेरे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की वजह यही थी। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ब्लॉगिंग नहीं मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2015 में। नहीं तो उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले एक्सीडेंट हुआ था पापा। एक्सीडेंट से मुतासर होकर आपने ब्लॉगिंग यूट्यूब पर, लेकिन पहला चैनल तो आपने रिएक्शन का बनाया था ना? हाँ, तो कोई ना कोई यार चीज़ चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, ऐसे इंसान भाई मुंह उठा के नहीं स्टार्ट कर देता। रिएक्शन में आप, रिएक्शन वाला जो चैनल है आपका, उस पर आप बता सकती हैं कितना अर्सा आपने सर्वाइव किया और कब? उसमें मैंने 4 साल सर्वाइव किया। 4 साल? हाँ, उसके बाद जाके आप? हाँ, उसकी वजह यार ये है, मैंने टिकटॉक किया और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, वहाँ पर भी मैं हिट हुई, लेकिन यार उस पे मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं, हाँ दिल मुतमईन नहीं था, ऐसा लग रहा था मैं जैसे गुनाहों में डलती जा रही हूँ या गलत काम कर रही हूँ, तभी मैंने टिकटॉक वगैरह छोड़ दिया उसको। हाँ हालांकि इसमें तो आपके व्यूज बहुत आ रहे थे, व्यूज भी मिलियन में आए थे शायद। हाँ मिलियन में, एक वीडियो की आपको मिलियन में, बिल्कुल अभी तक अगर मैं करती रहती ना तो मिलियन में हो जाती है। अच्छा हाँ, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा। फॉलोअर कितने थे आपके? फॉलोअर्स थे मेरे उस टाइम 1 लाख थे। 1 लाख? हाँ, फिर जब छोड़ा तो यार 50,000 तक आ गया, अभी भी होगा मेरा अकाउंट टिकटॉक पे। खैर मैं अभी नहीं कर रही यार टिकटॉक पे, मुझे वो मज़ा अच्छा, नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ जो वीक रूस चैनल है आपका, उस पर जो आपको सिल्वर प्लेट कितने अर्से के बाद मिली? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद जी 100K हो गए थे फॉलोअर, हो गए थे सब्सक्राइबर्स। ओए होए होए, वाह वाह वाह, क्या दिन था, क्या दिन था। सब वसूल हो गया था, सब कुछ मिल गया था, हर चीज। बाकी एक और वजह है जिसकी वजह से मुझे और हिम्मत मिली यूट्यूब करने की, वो वजह ये है कि मैंने जॉब की थी। सही है, जॉब भी की आपने? जॉब अच्छा देखें ये सब आप बता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना ताकि बाकी जॉब की जो आपकी उम्र की जितनी लड़की हैं, हाँ उनके लिए ही मैं बता रही हूँ ताकि उनको बिल्कुल हाँ गाइडलाइन मिले। जॉब की थी मैंने, जॉब कौन सी थी? ऑफिस में थी आप, रिसेप्शनिस्ट थी आप? हॉस्पिटल में। हाँ अच्छा, उधर ऐसा हुआ कि मुझे उधर लोगों की नज़रें नहीं सही लगी। अच्छा सही है, जैसे अभी रिसेप्शनिस्ट का काम होता है ना सारी डिटेल्स वगैरह देना, तो वो मुझे नहीं सही लग रहा था। मतलब कुछ लोग थे ना हॉस्पिटल के, वो जानबूझ के आके बस खड़े हो जाते थे बात करना फजूल में, जैसे वो नहीं है होते ठरकी होते बंदे, गलत किस्म के लोग भी हाँ, होते हैं। हाँ गलत किस्म के लोग। तब मैंने भाई सोचा, वहाँ से आपको क्लिक मिली? हाँ तब मैंने ठाना
कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है और अपना करना है। मैं जॉब नहीं करूंगी, घर बैठ के अगर मैं एक रुपया भी कमा रही हूँ ना, वही मेरे लिए बहुत है। तो वहाँ से भी मुझे मोटिवेशन मिली है। वहाँ से मोटिवेशन मिली है। एक और चीज भी हुई थी आपके साथ, आपकी वो उस हॉस्पिटल में एक ड्रामा टीम आई थी। हाँ, ड्रामा टीम। हाँ यार मेरे साथ जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। अच्छा, मुझे शौक था एक्टिंग करने का, हद से ज्यादा इतना एक्टिंग करने का शौक था। उसी हॉस्पिटल में यार ड्रामा शूटिंग करने के लिए यार टीम आया करती थी, तो उन्होंने मुझसे वो ऑडिशन लिया और फिर बोलते हैं कि भाई आप तो सिंधी स्पीकिंग हो, आपको हम नहीं ले सकते, हम भाई जिनकी उर्दू प्योर होती है उनको ही हम बस सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर वहाँ से आपको क्लिक मिली कि मैंने अपना करना है। हाँ, वहाँ से फिर से मुझे क्लिक मिल गई। मैं ऐसे भाई मुझे जो है ना मेरा जो वो था मोटिवेशन लेवल वहाँ से मिली, वहाँ से बढ़ता जा रहा था भाई। मुझे रास्ते रास्ते पे जगह जगह पे अल्लाह ताला मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि भाई तुम्हें यहाँ पे भी ठोकर मिली, यहाँ पे भी ठोकर मिली है, तुमने आगे बढ़ना है, कुछ करना है। फिर मैंने ठाना, मैंने गैरत की। ऐसे नहीं कहते आप में जज्बा जुनून भर गया। जज्बा जुनून भर गया कि हाँ भाई मैंने कुछ करना है और अपना करना है। यही लोग मुझे बाद में बुलाएंगे कि आ जाओ इरज, मैं नहीं जाऊंगी, ये खुद ही मुझे बुलाएंगे। और वो दिन है और आज वाला दिन है, और अब भी मुझे मैसेज भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि आ जाओ इरज। लेकिन नहीं जाना, नहीं जाना, मैंने अपना काम करना है, घर बैठ के कमाना, इज्जत से कमाना, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ। इरज व्लॉग की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या हमारे देखने वाले जितने भी लोग हैं, कि जो भी आप न्यू टैलेंट देखते हैं उसको प्रमोट करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि इसको हौसला अफजाई होती है इसकी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो हमें भी आप लोग हौसला अफजाई करें और लोग जो नए देखते हैं उनको भी हौसला अफजाई करें, क्योंकि अपना जो काम होता है उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बजाय किसी के मोहताज बने, किसी की बातें सुने, ख़ास करके ख़वातीन औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कि वो अपना अगर काम करती हैं तो उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए। सही बोल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपने, आपके लिए कहूँगा स्पेशल, कि आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, दिन रात काम किया है, अल्लाह ताला ने आपको सिला दे दिया है, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है यूट्यूब की तरफ से, सिल्वर प्लेट जो वो मिली है वो एक आपको सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड जैसा डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल चुका है। आपकी कामयाबी का वो सिंबल है कि आप यूट्यूब ने कहा है कि आप कामयाब यूट्यूबर हो और आपको ये इनाम दिया जाता है। बिल्कुल। तो आगे अभी आपने परेशान नहीं होना कि व्यूज कम है, सब्सक्राइबर कम है, इंशाल्लाह। नहीं पापा, वो तो अल्लाह पे, एक दिन आएगा कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और लाखों में खेलोगे इंशाल्लाह आप। सही बात, ठीक है। वाओ यार, ये सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है सामने से। एलोवेरा है जंगली, ये देखो जंगली हो जाता है, खुद हो जाता है। किधर है? ऐसे ही है। कौन सा एलोवेरा है ना? ये फूल देखो इसके कितने प्यारे। हाँ, ये फूल देखो कितने प्यारे हैं। जंगल देखो कितना घना है। ये साफ क्यों नहीं करते पापा? इतना प्यारा ये इलाका है और ये साफ नहीं कर रहे। स्टील टाउन के रहने वालों से गुजारिश है कि जो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स करें, हमें पता चले कि स्टील टाउन के रहने वालों ने कितने लोगों ने हमें देखा है। लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी करें। हाँ सही बात है। अभी हम घर जा रहे हैं यार, मगरिब का टाइम हो गया। वैसे आज मज़ा आया ना मून। आज हम पान खाएंगे, चलो जी। ये रही भाई पान की टपरी, टपरी। तीन पान बना दे, मीठे पान। चलो आज देखते हैं कि पान कैसे बनाया जाता है। ये कौन से पान है? ये कौन से पान है? ये पत्ती वाले। पत्ती वाले। हफ्ते से बोल रहा था पान खाना है, पान खाना है। आज पापा आखिर लेके आई है। मम्मा को भी पसंद है पान। क्यों मम्मा इतना क्यों पसंद है आपको पान, बताएं जरा। अच्छा होता है सेहत। हाँ, मैदे के लिए अच्छा होता है। हैं, मैदे के लिए अच्छा होता है, ये पहली बार सुन रही हूँ मैं। वही है, पान पीने से खराब होता है।
जी हमारे पान बन गए हैं, अभी चलते हैं यार। वहाँ पे पापा वो खड़े हुए हैं भाई, मूंगफली ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। हो गया, चलो 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 चलो। ये बंद कर दो। ओ बिलो, इतना खामोश क्यों हो? शोना, शोनू, बिलो, बिलो ने कुछ तो किया है। पाँव दिखाओ, पाँव गंदे तो नहीं है इसके, कुछ तो करके आई है, है ना? तभी खामोश है मून की तरह। हमारे से चेक करो जरा, तूने टट्टी किया क्या? दोती है हमारा तो। इधर आ बिलो, दिखा, तूने टट्टी किया क्या? पाँव खराब है, साफ है। साफ सुथरी बिल्लो, वाइफ से साफ करो इसे। साफ सुथरी बिल्लो है, बाजू में तो खा गया अपना पान। चलो सही है, तो पड़ा हुआ है, बाद में खाऊंगा डिनर के बाद। तेज हो ना, तेज भली, तेज हूं मैं, खा जाऊंगा। नहीं खाना, माल भी खाओगे फिर, हमसे माल खाओगे। पान खाएंगे पापा, मूंगफली खा लें। पान खा के देखे ना पापा, एक दफा तो खा के देखे। सिगरेट और पान मुझे छीन लो। और आपकी वाइफ तक खाती है पापा, उसको खाने दो। उनके आगे आपकी नहीं चलती है ना पापा? चलती है, लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय करना। मम्मा देख रही है, मम्मा देख रही है। तो ये रहा हमारा पान, तो यार खा के देखते हैं कि पान कैसा है। ओए पान, ओए पान, खाए के नहीं, आधा आधा, नहीं नहीं जी नहीं, आधा मेरा। तुम चुप करके मूंगफली खाओ, आधा उनका। गला खराब हो जाएगा मूंगफली। हाँ तो इससे गला खराब हो जाएगा। और खाए के पान बन रस टपक रहा है, जल्दी खाओ। ओए होए, देखो यार कितना मजे का तबाहीदार खाना है क्या यार? ऐसी शक्ल बना के देखते हैं ना भाई, तरस आ जाता है कसम से। इनको ही मुझ पे तरस नहीं आता, बाकी मुझे तो हर वक्त इन पे तरस आता है। आओ मुंह खोलो, शाबाश, आ जाओ, आ करवा, आ अच्छे बच्चों की तरह करे। मूंगफली खा रहा हूं। अरे उसके मुंह में डाल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्यों? ये छोटा भाई है ना, तुम बड़े हो, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, इसे कुछ नहीं मिल सकता। ये छोटा बच्चा है, ओले आ जाए, आ जाए। अरे आराम से खिला रही हूँ ना प्यार से। शाबाश शाबाश, मेरा छोटा छोटा भाई, क्यूट क्यूट भाई, पूरे मुंह में मैंने पान लगा दिया इसको। तुम बड़े हो, चुप करके बैठो। बड़े बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कुर्बानी भी देते हैं, हाँ, और सब्र करते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र करो आप बड़े हो, जैसे मैं करती हूँ। देखा मैंने कैसे सब्र किया, मैंने नहीं खाया, मार्क मैंने दे दिया। ऐसे सब्र किया जाता है छोटे भाइयों के लिए। यार रोजाना यही ब्लॉग एंड करते हैं। खैर गाइज, अभी रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, आज संडे नाइट थी, इसी वजह से यार मूवी में बैठ गए थे। बहुत ही तबाहीदार मूवी थी, तिरंगा मूवी का नाम था। तो देखते देखते पता ही नहीं चला कब 1 बज गया। अभी मून सो गया है, मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ, रोज़ का हमारा यही होता है। खैर अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियो को शेयर करते रहें अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, ताकि हम जल्दी जल्दी ग्रो करें। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए